आज हम लोग बात करेंगे पंचम भाव की पंचम भाव से क्या परिणाम प्राप्त होते हैं ये हम सभी जानते हैं अब पंचम भाव में स्थित ग्रह पंचम भाव के परिणाम को किस तरह से प्रभावित करते हैं और परिवर्तित करते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं तो सूर्य के विषय में पीछे जाना है हम लोगों ने आज बात करेंगे कि चंद्रमा यदि पंचम में स्थित हो तो पंचम के परिणाम को किस तरह से परिवर्तित करते हैं या पंचम से स्थित परिणाम हमें किस तरह से प्राप्त होते हैं तो हम पुनः आज कहना चाहेंगे कि जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं उसमें चंद्रमा का प्रभाव यहाँ बहुत अधिक होगा अब चंद्रमा का प्रभाव अधिक होने से मतलब है कि चंद्रमा अपने गुण स्वरूप के अनुकूल ही अपने कारकत्वों से संबंध रखते हुए परिणाम को प्रदान करेंगे अब चंद्रमा की बात जब कभी भी आए तो पत्रिका में ये सबसे पहले समझना जरूरी है कि चंद्रमा शुभ है या अशुभ है अब शुभ अशुभ को भी एक पंक्ति में समझ लेना चाहिए कि पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा को शुभ और अमावस के आसपास के चंद्रमा को अशुभ कहते हैं गणितीय पद्धति से भी यदि समझना चाहें तो सूर्य से बहत्तर डिग्री आगे और बहत्तर डिग्री पीछे चंद्रमा को अशुभ चंद्रमा को शुभ कहा गया है और सूर्य के जितने करीब होते हैं वो चंद्रमा छीन कहे जाते हैं अब शुभ चंद्र यदि पंचम में हो तो पंचम से संबंधित पर, परिणाम हमें अच्छे प्राप्त होंगे शुभ प्राप्त होंगे अब पंचम से हम लोग हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा की बात करते हैं पंचम से हम उच्च कोटि के व्यवसाय की भी बात करते हैं तो यहाँ यदि चंद्रमा पंचम में स्थित है और शुभ है तो हम यदि उच्च कोटि के व्यवसाय करते हैं तो हम उस व्यवसाय में बहुत अधिक सफल होते हैं शुभ होने की वजह से हम मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं अब किसी भी ग्रह की स्थिति के ऊपर कालपुरुष के पत्रिका में उस उसके स्वामित्व का भी परिणाम समावेशित करके समझना चाहिए अब यहां चंद्रमा चतुर्थ स्थान का स्वामित्व रखता है कालपुरुष की पत्रिका में और कारकत्वों को भी समझना चाहिए कि वो मन का कारक है माता का कारक है शीतलता का कारक है तो इसको भी ध्यान में रखकर समझना चाहिए तो कालपुरुष में यदि चतुर्थ का चंद का स्वामित्व तो रखता है और पंचम में स्थित है तो हम इस स्थिति को अच्छा कहेंगे अर्थात चतुर्थ से संबंधित परिणाम भी हमें अच्छे प्राप्त होंगे अब माता का कारक है तो माता से संबंधित परिणाम भी हमें अच्छे प्राप्त होंगे तो अब यहाँ चंद्रमा व्यवसाय के लिए भी कहा जाता है कि चंद्रमा व्यवसाय के भी कारक ग्रह हैं और हमने कहा कि जब आप बहुत उच्च कोटि के व्यवसाय की बात करते हैं तो पंचम की बात आती है तो यहां हम उच्च कोटि के व्यवसाय बहुत सफलतापूर्वक कर सकेंगे अब छीन चंद्रमा की बात कर लेते हैं यदि छीन चंद्रमा पंचम में स्थित है तो पंचम के परिणाम को प्रभावित करेंगे अर्थात पंचम के परिणाम का क्षय करेंगे कमजोर परिणाम यहां से प्राप्त होगा हम चाह करके भी बहुत उच्च कोटि का व्यवसाय नहीं कर पाएंगे हम मानसिक रूप से 100 प्रतिशत समृद्ध नहीं रह पाएंगे हमारा विवेक उतना उन्नत नहीं होगा अब संतान सुख भी यहां से देखते हैं तो यदि चंद्रमा शुभ है तो संतान सुख प्राप्त होता है और चंद्रमा छीन है तो संतान के सुख में कमी होगी ऐसा भी समझना चाहिए वैसे हम कहते हैं कि किसी एक ग्रह की स्थिति के ऊपर हम परिणाम आगे पास कर दें या हम कहें किसी को बता दें ऐसा नहीं करना चाहिए अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देखना बहुत जरूरी होता है लेकिन छीन चंद्रमा अर्थात अशुभ चंद्रमा पंचम योगकारी स्थान है यहां स्थित होकर के बहुत अच्छा परिणाम नहीं करता इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए अब बात आता है कि अन्य ग्रहों से प्रभावित होकर परिणाम और कितना परिवर्तित हो सकता है तो समझिए कि शुभ ग्रहों से यदि प्रभावित है तो परिणाम में वृद्धि होगी और अशुभ ग्रहों से यदि प्रभावित है अर्थात युत है तो परिणाम में कमी होगी आप सभी जानते हैं कि पंचमेश का भी बहुत महत्व है लेकिन हम यहां सिर्फ पंचम में चंद्रमा की स्थिति की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या है कि हम शुभ ग्रहों के साथ की यदि बात करें तो शुक्र और गुरु निर्विवाद रूप से शुभ है अगर इसके साथ चंद्रमा पंचम में स्थित हो तो पंचम से संबंधित परिणाम की वृद्धि कहेंगे हम पुर्वाजित कर्मों की भी बात करते हैं तो यदि पंचम पीड़ित ना हो पंचम बली हो पंचम शुभ प्रभाव में हो तो हम अपने पूर्वाजित कर्मों को भी अच्छा कहेंगे और यहाँ हम साधारण हैं लेकिन चलते चलते हम बहुत ऊंचाई प्राप्त करते हैं इसकी भी संभावना बहुत अधिक हो जाती है तो पंचम को सूक्ष्मता से देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस जन्म के साथ साथ हम पूर्व जन्मों के परिणाम की भी यहाँ से आकांक्षा रखते हैं कि परिणाम प्राप्त होंगे यदि बहुत ही अशुभ प्रभाव में है तो ये भी समझना चाहिए कि हमारे पूर्वार्जित कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे क्योंकि पंचम से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो हम भाग्य से ज्यादा कह सकते हैं कहते हैं कि संतान सुख हम कहते हैं पूर्वाजित कर्म यदि अच्छे नहीं हैं तो हमें इस जीवन में संतान सुख प्राप्त नहीं हो सकता बहुत बड़ा व्यवसाय अगर हम पुर्वाजित कर्म अच्छे कर्म अगर अर्जित नहीं है तो हम बहुत बड़े व्यवसाय की कल्पना नहीं कर सकते हम बहुत शिक्षित हैं लेकिन यदि हमारे पंचम पीड़ित हो गए तो हम विद्वान नहीं हो सकते हम बहुत उच्च शिक्षा को नहीं प्राप्त कर सकते तो पंचम का महत्व तो बहुत अधिक है हमने कहा कि यह नवम से नवम है अर्थात हमारे भाग्य का भाग्य स्थान है ये तो भाग्य को कितना प्राप्त होगा यह भी पंचम ही बताता है हम सिर्फ ये भाग्य स्थान अर्थात नवम स्थान देख करके किसी को बहुत भाग्यवान कह दें ये सर्वथा अनुचित होगा यदि हम किसी को भाग्यवान कहना चाहते हैं तो उसके नवम के साथ साथ पंचम को भी देखना बहुत जरूरी होता है अब ये दसम स्थान का अष्टम स्थान है अर्थात हमारे कर्म में क्या उतार चढ़ाव होगा अचानक से वृद्धि होगी या ह्रास हो जाएगा ये भी हमको पंचम से ही प्राप्त होगा इसीलिए कहते हैं कि बहुत बड़े व्यवसाय के लिए पंचम का मजबूत होना यह बहुत जरूरी होता है अब पंचम स्थान हमने कहा कि लग्न से पांचवा है तो चतुर्थ से दूसरा है तीसरे से तीसरा है तो सप्तम से एकादश है इस तरह से भी समझना चाहिए तो अब सप्तम पे क्या प्रभाव डालता है पंचम तो हमको सप्तम का लाभ मिलेगा कि नहीं सप्तम से एकादश है जीवन में कितना सुख भोग होगा हम कितना प्राप्त कर सकेंगे और उसकी प्रकृति क्या होगी यह पंचम बताएगा हम शादी से कितना लाभ ले पाएंगे ये पंचम बताएगा अर्थात हम अपने वैवाहिक जीवन में कितना प्रेम रख सकते हैं ये पंचम बताएगा वैसे वैवाहिक संबंधित सारी जानकारी तो सप्तम से मिलती ही है लेकिन उसमें कितनी प्रसन्नता होगी उसका कितना लाभ मिलेगा यह पंचम बताएगा अब यहां शुभ ग्रहों के साथ है या शुभ ग्रहों से युत है या नहीं है इसको समझने के लिए हम संक्षेप में ही कहना चाहेंगे कि यहां यदि शुभ ग्रहों से युत चंद्रमा है और शुभ चंद्र है तो हम कहेंगे कि शुभ परिणाम प्राप्त होंगे अशुभ ग्रहों से युति यहाँ चंद्रमा है और चंद्रमा भी अशुभ है तो हमको यहाँ से संबंधित परिणाम अशुभ प्राप्त होंगे सिर्फ एक बातों का ध्यान रख लेना होगा कि यहाँ जिस भी ग्रहों से युति हो रही है या चंद्रमा यदि यहाँ स्वराशि या अपने उच्च राशि का स्थित है तो हमारे परिणाम में परिवर्तन होगा क्योंकि यदि चंद्रमा छीन होकर के भी यदि स्वराशि और उच्च राशि का स्थित है तो हम अशुभ परिणाम की बात नहीं करेंगे अब चंद्रमा यदि मंगल के साथ यहाँ मेष राशि का स्थित हो जाए तो यहाँ अब मंगल के अशुभता से परिणाम का बहुत अधिक क्षय होगा ऐसा नहीं कहेंगे अब यहाँ गुरु के साथ स्थित है तो गुरु तो शुभ ग्रह हैं ही बहुत कमजोर हो जाने के बाद भी हमें शुभ परिणाम देंगे इस बात को समझना चाहिए तो आज हम लोगों ने समझा कि चंद्रमा यदि पंचम में स्थित हो तो किस तरह के परिणाम देते हैं और पंचम के परिणाम को किस तरह से प्रभावित करते हैं